जिन्होंने शॉट गेंद को पुल कर दिया, गेंद से मार के बाहर। पहली गेंद पर ये बेहतरीन खूबसूरत चौका, पावर्ड बाय वॉइस रॉय प्रॉपर्टीज। ग्रेट, वाज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक था। एरिया प्रीमियर लीग सिक्स एडिशन, दीपेश मेहता स्ट्राइक पर। हाँ, पहली गेंद पर चौका और हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, फुल टॉस, गेंद को लेग साइड पर, गेंद 6 रन के लिए। एक तरफ गोवानी राइड्स इस टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित न्योता दिया और क्या शुरुआत यहां पर, ड्रीम स्टार्ट। पहली गेंद पर स्ट्राइक से स्वागत किया, लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। और अंपायर यहां पर स्कोरर है हमारे साथ, तो यहां पर भी दिखाएंगे चलेगा। रन संख्या 5, एक गेंद 5 रन। ग्राउंड नंबर 1 पर गेंदबाजी कर रहे चंदू, स्ट्राइक पर दीपेश मेहता, 9 सेकंड पर मोरे, ऑफ कटर गेंद, बैक फुट पर गए, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर ये गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री, 4 रन के लिए। दो गेंद 9 रन, दीपेश मेहता। एरिया प्रीमियर लीग 6th एडिशन, APL 6th edition, we are celebrating powered by Viceroy Properties. और ये गेंद और 1 रन मुकम्मल होता हुआ, रन संख्या स्कोर 10 रन। मेन स्पॉन्सर श्रीजी शरण, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे प्रतियोगिता के लिए। मेन स्पॉन्सर श्रीजी शरण, ये देखिए कितना अच्छा स्टैंड दे रहे मोरे जी। ओ गोरे गोरे ओबा के छोरे, लेकिन यहां पर काम कर रहे मोरे। और यही अच्छा होता है संदेश, जब अच्छी बल्लेबाजी करने वाले अपने बल्लेबाज को, बैटर को, दूसरा बैटर एक सहयोग दे, साथ दे। ओ व्हाट अ शॉट, फिर एक बार गैप में खेल रहे हैं, लेकिन टेनिस की बॉल अब फुटबॉल की तरह नजर आ रही है बल्लेबाज दीपेश मेहता को। और दीपेश ने जिस तरह से शुरुआत की, 2 चौके अब तक इस पारी में, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1-2 गो, 1-2 गो, 1-2 गो, 1-2 गो। यस यस, स्कोरर है यहां पर, बताएंगे 5 बॉल, बताया बताया। वन टू गो, अरे मैंने बोला एक वाइड भी था। पांच बॉल, रन संख्या 12। वन टू गो, हर एक जो हमारे स्कोरर है, कमेंटेटर के बाजू में स्कोरर भी रहते हैं, तो आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर वहां पर आना अनिवार्य है। दिस इज द काइंडली रिक्वेस्ट फॉर ईच मैच, योर एक्स्ट्रा प्लेयर इन द कमेंट्री बॉक्स कंपलसरी इज रिक्वायर्ड। स्ट्राइक पर दीपेश मोरे, देखिए नए प्रारंभिक बल्लेबाज अब नजर आ रहे हैं एरिया प्रीमियर लीग 6th एडिशन APL का, ये 6ठा संस्करण चलता हुआ, 6ठा साल बेमिसाल गेंदबाजी के लिए चंदू। फिर एक बार इस गेंद को खेला हुआ स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की तरफ, जब तक वहां पर खिलाड़ी फील करते, 1 रन पूरा किया दीपेश। देखिए इसे पता ही नहीं चल रहा है कि इनकी उम्र का कोई वहां पर, जिस अंदाज से दौड़ रहे मोरे और दीपेश मेहता, एक युवा जोश नजर आ रहा है दोनों में। रन संख्या 14 रन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 14 रन, और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अपना युवा जोश नजर आ रहा है। इस तरह से अगर दोनों की एज आयु देखें, तो निश्चित तौर पर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं बैटर
अब स्ट्राइक पर रहेंगे मोरे और नॉन स्ट्राइक एंड पर बैटर हैं दीपेश मेहता। अच्छी शुरुआत दीपेश ने, दीपेश के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौवा, फिर शॉर्ट थर्ड मैन पर एक चौवा गया था। ये बेहतर स्ट्रोक बैट्समैन के बल्ले से निकलता हुआ बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गैप में खेला हुआ स्ट्रोक चार रन के लिए। गेंदबाजी के लिए बॉलर आएंगे पार्थ, स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोरे। राउंड द विकेट पार्थ और फिर एक बार रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट, व्हाट अ थ्रो, अंपायर का इशारा कोई नहीं, सुरक्षित क्रीज में थे, एक मौका था डायरेक्ट हिट के लिए। अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर पंजाबी थे शायद ऐसा लग रहा है, या लेकिन एक अच्छा थ्रो, एक रन मुकम्मल। दीपेश वहां डेंजर एंड पर दौड़ने के लिए गए। रन संख्या 15, दूसरा ओवर चलता हुआ मैदान पर। इसके बाद ए और बी ग्रुप का एग्जैक्टली पोजीशन हमें पता चलेगा, कौन सी दो टीम क्वालिफाई करने वाले हैं। ये अच्छी गेंद, ये गेंदबाजी करनी होगी, इस टिप्पे पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो मौका बनने वाला है, और पार्थ को यही लाइन लेंथ को चेक करना होगा। जैसे कहते हैं बाहुबली में कटप्पा और क्रिकेट में टप्पा निर्णायक बनता है, और जिस टप्पे पर कार्यक्रम किया था पूरा मनन पारेख ने, जो बैटिंग की थी टप्पा पे कार्यक्रम किया था। फिर एक बार अगली गेंद, राइट ओवर द विकेट, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, स्लो ओवर वन मौका, लेकिन जब तक वहां पर नो मैन्स लैंड ट्रैवल करती हुई गेंद, दो रन, और दोनों दौड़ भी अच्छे ले रहे हैं। अगर दोनों की एज देखे तो 45-50 प्लस है, लेकिन अभी भी युवा जोश नजर आ रहा है। तीन गेंदे, रन संख्या 17, स्ट्राइक पर दीपेश, कमाल की पारी खेली अपने टीम के लिए, दूसरा ओवर चल रहा है, अब तक तीन गेंदे हो चुके हैं, चौथी गेंद लेकर पार्थ। फिर एक बार ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर की गेंद को छेड़कानी करने की कोशिश की, एम्पायर का इशारा वाइड, वाइड के साथ प्लस दो रन आएंगे। रन संख्या 19, एक अच्छा स्ट्रोक दरबार का हमने देखा था, अनिल जी दरबार का, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, पॉइंट के ऊपर से जो स्टिक से लगाया था कवर के ऊपर से, शॉट ऑफ द डे था। गेंदबाजी के लिए तैयार अगली गेंद, लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, गेंद को करना चाहते थे कांदिवली, गेंद चली गई डोंबिवली, और एक रन, एक रन के साथ रन संख्या 20। स्वप्निल आपका भी हार्दिक स्वागत, स्वप्निल परब। डाउन द विकेट पार्थ, अगली गेंद उछाल लेती हुई गेंद, एक बाउंस मिला पिचिंग करने के बाद, बाउंस को संभल नहीं पाए और गेंद डॉट पार, चार गेंदे, रन संख्या 20। दोनों तरफ ग्राउंड नंबर 1-2 पर जिस तरह से इस मैच को खेला जा रहा है, इससे पता चलेगा निश्चित तौर पर अगले मैच, अगले दौर में सेमीफाइनल के लिए कौन क्वालिफाई करेंगे। फिर एक बार बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं, आंखें मूंद कर स्ट्रोक को खेल रहे हैं, एक अलग अंदाज से यहां पर बैटिंग करने की जरूरत। बल्लेबाज मोरे और दीपेश एक तरफ ग्राउंड नंबर 1 पर, अगली गेंद आखिरी समय पर बल्ले का फेस खोला खेला है, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन, डाउन द विकेट, गेंदबाजी के लिए पार्थ। अब बल्ले को तिरछा किया और तिरछे बल्ले से डीप पॉइंट पर जब तक आशीष फील्ड करे, एक रन मुकम्मल, एक रन के साथ एश 21। दो ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 21, 10.50 रन प्रति ओवर, 10.50 रन पर ओवर मेंटेनिंग। ओवर शॉट, खिलाड़ी वहां पर, विकेट का बटन गॉन, आशीष आउट, महत्वपूर्ण विकेट, इसके पहले आशीष और शालीन के बीच एक अच्छा। रन संख्या 21, 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
पार्थ आवाज आ रहा है? पार्थ यस वहां जा रहे हैं, यहां नहीं जा रहा। गेंदबाजी के लिए मित्तल सूराम, तीसरी ओवर लेकर अपने टीम के लिए व्यक्तिगत पहली ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड। इस गेंद को खेलना है लेकिन जब तक कवर पॉइंट पर चंद्रकांत इस गेंद को फील करे, एक रन मुकम्मल, एक रन के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। तीसरा ओवर चल रहा है। मित्तल जी की अगली गेंद, फिर एक बार हल्के हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, पुश कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अच्छा बैटिंग लाइनअप इस टीम के पास भी है, जिस तरह से विनीत है, मिलन जैसे बल्लेबाज, वो सब अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्ट्रोक प्ले हो सकता है। मित्तल की अगली गेंद, लेग स्टंप पर स्वीप किया है, मेहनत कर रहे हैं सभी। तीन गेंदे, रन संख्या 24, तीन गेंदे 24 रन। सूरत सनराइजर्स बनाम गुरवानी रॉयल्स, इन दो टीमों के बीच है मुकाबला एरिया प्रीमियर लीग एपीएल का छठा संस्करण। और बचे वहां पर बोल होते होते बचे, छठा साल बेमिसाल। इस छठे पर्वे में उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, महिला वर्ग भी यहां पर उपस्थित है, सभी जो यहां पर अपने अलग अलग योगदान इस प्रतियोगिता के लिए दिए है, उन सभी महानुभाव उनका भी हार्दिक स्वागत मंच पर उपस्थित, और अन्य यहाँ पर डगआउट में, और हमारे साथ राइट साइड पर डगआउट में भी जो जो दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और गेम शॉट के माध्यम से जो हम लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, उस आधार पर जो घर बैठे भी देख रहे हैं, फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक अलग विद द कारपेट, एक रन। और विकेट का बतौर स्टार्ट बाय दीपेश। चिंतन जी आपका हार्दिक स्वागत। चिंतन जी अच्छी शुरुआत, हिरेन जी, हिरेन द न्यू बैट्समैन। वेलकम चिंतन जी, हार्दिक स्वागत चिंतन। एरिया प्रीमियर लीग एपीएल 6th एडिशन वी आर सेलिब्रेटिंग हियर on number 1. Beautiful stroke over the cover, deep point sweeper cover, going for the protection there, and as he threw, batsman going for the second run. Run sankhya score 26-26. एक मौका, विकेट का पतन और एक सफलता यहां पर कामयाबी, और रन 26 और दो विकेट गवाए हैं, मोरे आउट।
नहीं बल्लेबाज राजा। देखिए मोरे सर के लिए कहां कहां से यहां पर लाइक्स मिल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था वो गोरे गोरे बाके छोरे और बल्लेबाजी कर रहे हमारे मोरे। गेंदबाजी कर रहे हैं केबी केउट, अनुभवी खिलाड़ी, अच्छा योगदान है इनका भी गेंदबाजी में। केउट पारेख ऑफ ब्रेक, मित्तल जी के पास गेंद, एक रन, राजा बल्लेबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर रहेंगे हुरेन। हिल्टन इस टीम के साथ ही मुकाबला चलता हुआ, अब ये देखिए ऑर्थोडॉक्स स्पिन और कवर की तरफ वीरेन के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक वाइड इस लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक कि वहां पर अनिल दरबार जी फील करें एक रन मुकम्मल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्रिकेट का अनुभव जिनके पास है वो खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। केउट पारेख जी के भी देखिए ऑर्थोडॉक्स स्पिन करना चाहते हैं और हमेशा देखते हैं कि जिस अंदाज से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, राजीव चौहान जो गेंदबाजी करते थे उसी अंदाज से केपी की एक अलग झलक नजर आ रही है, अच्छी फ्लाइट दे रहे गेंद को। ये देखिए अब फिर एक बार अच्छी गेंद, विकेट की बजे राजा के पास, यही गेंदबाजी की जरूरत। 4/28, 2 ओवर में 21 थे और 2 ओवर में रन आए केवल 7, क्या कमाल की वापसी। इस ओवर में 2 रन और 1 विकेट, इसलिए मैंने कहा केपी जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं एक अच्छा अनुभव जिनके पास है, जैसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव एक महान शिक्षक है, उसी आधार पर एक योगदान। अब गेंदबाजी के लिए मित्तल सुरा दूसरी ओर लेकर आए थे मित्तल, जब गेंदबाजी की थी और अपनी व्यक्तिगत, अब दूसरी ओर टीम के लिए 5वीं ओवर लेकर आएंगे। रन संख्या 28/28। अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, प्लान के साथ खेल रही टीम सूर्या सनराइजर्स। धन्यवाद राजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं ग्राउंड नंबर 1 की ओर, इस बार भी कटिया ने को खेल दिया और ये सीमा का जब आश्रम के लिए बार बार बचे खिलाड़ी शायद टकरा जाते थे आउटफील्ड पर जो कूल स्टैंड है वहां पर, और 4 रनों के लिए चौका आता हुआ, 2 बड़ी टीमें यहाँ पर मैच खेलती हुई। एक तरफ टीम हिल्टन फोकस बनाम रोहन इंडियंस इस वक्त मुकाबला खेल रही है और रन संख्या हो चुकी है ग्राउंड नंबर 1 पर, स्कोर है 68 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
हमारे बीच वेलकम एरिया एक्सल यहाँ पर आ चुके हैं और पूर्वी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। वेलकम एरिया एक्सल हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत वेलकम है। अगली अगली गेम की शुरुआत यहाँ पर होती हुई जल दिया और एक लंबा हिट और एक गेंद छह रनों के लिए बाहर जाती हुई डिप रनों के निधन पर फुलटॉस गेंद पर प्रहार होता हुआ छह रनों के लिए
हर अमित को खेला अच्छे रनों के लिए बहुत ही बढ़िया दल सब दिखाते हुए। बहुत शानदार यहाँ पर क्रिकेट का नजारा देखने मिलता हुआ और बहुत बढ़िया आयोजन यहाँ पर नजर आता हुआ। द एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट 2022 हमारे भी धर्मेश ओझा जी आए हैं, उनका आपकी स्वागत है धर्मेश भाई। सभी यहाँ पर आए हुए हमारे प्रमुख अतिथि, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस बार जिनको खेला है टीम पर खिलाड़ी है वहाँ पर जिनको फील्ड किया केवल एक दो के लिए रन संख्या यहाँ पर बनती हुई है। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि ऐसे दृश्य बहुत बार आधार प्रदान पर देखने मिलते हैं क्योंकि एक साथ इतने मैच चलते हैं पता ही नहीं चलता मैच किसका चल रहा है, इसी बीच कैच भी फील्ड कर लेते हैं, गेंद एक दूसरे को देते हैं। आइए ओवर अब हो चुके हैं, रन संख्या यहाँ पर है 79 है। विमल भाई आते हुए गेंदबाजी मार्च के ऊपर जो फेमस रियल एस्टेट एजेंट है और स्क्वेयर फिट के ऑनर विरोध गेंदबाजी मार्च पर ओवर हो चुके हैं समाप्त को दिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए सहयोग किया और साथ ही उनके साथ और भी हमारे सारे प्रॉपर्टीज डेवलपर्स का धन्यवाद जिन्होंने हमें सहयोग किया, खासकर श्रीजी शरण उनका भी हार्दिक धन्यवाद। श्रीजी शरण डेवलपर्स उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीजी शरण इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगली टीम के लिए मुकाबले चल रहे है संख्या 39 40 रन, थैंक यू। इसकी स्थापना 1997 में हुई है, लगभग 23-24 सालों से कार्यरत है और संपर्क का वातावरण यहाँ पर नजर आता हुआ और जितने भी हमारे रियल स्टेट से एडिट जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद जो 22-25 साल से सहयोग कर रहे हैं और एक अच्छा काम मुंबई शहर में और मुंबई शहर के बाहर कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ देते हुए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया काम करते हैं। और खासकर जो कोरोना काल पीरियड में जो उन्होंने जो काम किया उसके लिए सराहना है, खासकर जो लोगों को हेल्प उन्होंने की राशन से लेकर अन्य कई चीजों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर जो आरोपित तौर पर लोग रहते हैं उनको जो सहयोग उन्होंने किया, खासकर जो ऑनर से बैठे हुए कि आप लोग प्लीज भाई बनाइए काम कीजिए, ये जो मदरसे का काम जो किया उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।
वो कई शहर के आस पास आप लोगों के हाथों में और उसको आपको बरकरार रखा है। धन्यवाद। थर्टी फीट की शुरुआत होती है यहाँ पर मेरे सामने से दौड़ते हुए और शोर को बदला है अरविंद ने अपने स्प्रिंग लक्ष्यों को बदलते हुए। इसके बाद और भी मुकाबले आने बाकी है और एक बढ़िया क्रिकेट का आयोजन आज देखने मिल रहा है। अगली गेंद की शुरुआत होती हुई वन बॉल का इशारा फरकाता हुआ वन बॉल यहाँ पर नजर आता हुआ। अगली गेंद प्रमोद ने इसको फील्ड किया बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रमोद द्वारा एक अच्छे गेंदबाज है और अच्छे खिलाड़ी प्रमोद ने इसको फील्ड किया अपने बल्लेबाजी के लिए आया है। ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल है उसका जो हेल्थ है और बाबा स्ट्राइकर भाई मनीष भाई के पास एक मार्ग कराते हुए सबसे खुशियाल और सबसे बढ़िया विकेटकीपर और क्रिकेट से बड़ा प्यार कहते हैं कि आसमान का धरती से फूलों का भवन से और क्रिकेट का मनीष से बड़ा प्यार है और ये प्यार उतर नजर आता हुआ इस वक्त यहाँ पर चित्र 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 को थोड़ा सा बदलाव करते हुए बाबा और ग्राउंड नंबर दो पर रन संख्या 49 टीम भुवानी रॉयल्स 49 अनुभवी गेंदबाज प्रदेश और युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी करता हुआ पावा चौका लगता हुआ पावा के गेंद पर सात ओवर में 51 पहले दो ओवर में 21 थे
इसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये 20 रन बने केवल, अगर देखा है तो 5 ओवर में 30 गेंदों में 20 बने हैं और 2 ओवर में पहले बने थे 21। एक अच्छा कमबैक है सूरत सनराइजर्स का, लेकिन जितने गेंदे डॉट करेंगे उतना मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी बैटिंग के लिए मिलन जैसे बल्लेबाज हैं जो 18 गेंदों में लगभग 40-45 बना सकते हैं और इस स्कोर को 85-90 तक ले सकते हैं। स्ट्राइक का राजा गेंदबाजी करेंगे अनिल दरबार। अनिल जी की अगली गेंद राइट हैंड बैट्समैन के लिए, राजा नौ स्ट्राइक गेंद पर हीरे राउंड द विकेट। फिर एक बार ये भी गेंद डॉट, आखिरी 4 गेंदे देखें तो 4 ही गेंदों पर 0 रन आए हैं। डॉट 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 डॉट, इसके पहले भी तीसरे ओवर में ज्यादा गेंदे डॉट थी। बाहर से अंदर लेके गए। ये थोड़ा आगे है क्या? नहीं, वो उनका है। यस, अच्छा फील्डिंग। आठवां ओवर चल रहा है और गेंदबाजी के लिए अब अनिल दरबार, लेकिन बल्लेबाजी के लिए मिलन आए हैं। तो आखिरी कुछ 2.5 ओवर में अगर देखा जाए तो यहां से अगर 14-15 गेंदों में 30-35 रन बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर 85-90 का स्कोर बन सकता है। श्याम जी यहां पर आए हैं। राउंड द विकेट, अगली गेंद बल्ला, ये भी घुमाया है, गेंदे डॉट। आखिरी 7 गेंदों में केवल 4 रन आए और 4 गेंदे डॉट, और तीसरा और चौथे ओवर में रन आए केवल 7। तो यही एक समस्या बनी हुई है, हर एक गेंद पर प्रहार करने की कोशिश जारी आवश्यक है। राउंड दबी के अगली गेंद करेंगे अनिल दरबार। बैकवुड पर गए, जगह बनाए, बैकवुड पॉइंट पर खेले, जब तक जाएंगे 1 रन पूरा, एक चिकी स्ट्रोक खेलकर ये रन चुरा हुए हैं। अभी भी इस ओवर की गेंदे अगर देखा जाए तो 2 गेंदे शेष है और रन संख्या स्कोर 55-55। तो निर्धारित 14 गेंदों में से अगर 3 या 4 भी क्लियर करेंगे मिलन तो निश्चित तौर पर यह रन संख्या स्कोर लगभग 80-85 के करीब पहुंच सकता है। एरिया प्रीमियर लीग 6 संस्करण APL पावर्ड बाय वॉइस प्रॉपर्टीज। राउंड द विकेट अनिल दरबार और कवर पर खेला हुआ स्ट्रोक अलग विद द कार्पेट, जब तक एच वहां पर फील करते हैं। 1 रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा और ने एक ही गेंद थी बाकी, क्षमा कीजिए। तो ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 56, अब तक 56। यह ग्राउंड नंबर 2 पर फिर एक बार बाबा खेलना चाहते थे, लेकिन जब तक कि वहां पर केवल 1 रन मुकम्मल होता लीग बाय के द्वारा। रन संख्या 56 12 गेंदों में और अलोंग विद द कार्पेट खेलने की कोशिश थी। बैक टू द बॉल ड्राइव, ये अच्छा कॉन्टेस्ट नजर आएगा, एक तरफ आशीष एक तरफ मीत। हर एक गेंद को यहां पर सोच समझ कर गेंदबाजी करनी होगी आशीष को और उस अंदाज से बैटिंग करनी होगी मिलन को। एक बेहतरीन स्ट्रोक अलोंग विद द कार्पेट खेला हुआ, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील करते 1 रन पूरा किया
और स्ट्राइक राजा को यहाँ पर अब मिलता हुआ, मिलन को भी यहाँ पर स्ट्राइक लेना आवश्यक है क्योंकि जिस तरह के बैट्समैन हैं, पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद पर एक रन संख्या 57, हवा में खेला हुआ ऊंचा स्ट्रोक, खिलाड़ी आएंगे हाथ में नहीं, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, ये लगा चौका, 4 रन, रन संख्या 61। बाहर जाता हुआ बहुत बढ़िया यहाँ पर टीम एफर्ट, यहाँ पर एम स्पेस द्वारा लाजवाब परफॉर्मेंस। इस प्रकार मैंने आज मॉर्निंग में भी कहा था, इसरो ने यहाँ को भेजा था, यहाँ भेजा था मंगल पर, इसी प्रकार एक गेट भेजिए बाहर, एम स्पेस बहुत बढ़िया पावरफुल स्ट्रोक यहाँ पर नजर आते हुए टीम के, शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। बाबा लॉन्ग एक पर है, अगली गेंद हिट हुआ और एक लंबा शॉट हिट है और ये 6 रन के लिए, या तो 4 रन वन बॉल से बाहर जाती हुई, चौका यहाँ पर आता हुआ, खुशियां लाता हुआ, रन संख्या यहाँ पर 114 के पास पहुंचती हुई। और यहाँ पर धनंजय स्कोर 17, अब आखिरी ओवर बाकी है, दुरुस्त है इस ओवर में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर 15-16 रन आए, और इस ओवर में अगर 15-18 रन निकालते हैं तो निश्चित तौर पर जैसे कहा था 85-90 के करीब पहुंच सकता है स्कोर। हालांकि 3 ओवर में कुछ रन बने नहीं थे, 18 गेंदों में 9 रन, रन संख्या 70। दोपहर का स्वादिष्ट व्यंजन पकवान लंच यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो स्वादिष्ट व्यंजन पकवान के लिए आप सभी दर्शक, खिलाड़ी, यहाँ पर उपस्थित मेंबर्स, हमारे द एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स, आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा एवं गुजारिश करना चाहूंगा, दोपहर के लंच के लिए आप प्रस्थान करें प्लीज। काउंट द विकेट, पहली गेंद गुड रनिंग और कॉल, डेंजर एंड पर दौड़ना था, और जैसे कहते हैं ना अपने टीम के लिए एफर्ट्स के लिए जो मेहनत करते हैं वो हमेशा यशस्वी होते हैं, और यही कोशिश जारी है। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार राउंड द विकेट, अगली गेंद राजा के लिए, शॉर्ट गेंद फुल कर दिया है खिलाड़ी वहां पर, लेकिन डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ आई जैसे गेंद, तब तक मित्तल सुरा वहां पर फील करते 2 रन मुकम्मल, इन 2 रनों के साथ रन संख्या कुल स्कोर अब 74। लंच शुरू हो चुका है, सभी जो खिलाड़ी यहां पर उपस्थित, हमारे जो प्रमुख अतिथि मान्यवर यहां पर हैं, आपसे कहना चाहूंगा दोपहर का लंच शुरू हो चुका है, आप लंच ले। इसके बाद और उसके बाद एक मुकाबला खेला जाएगा, एक सभी हमारे एक्स प्रेसिडेंट हमारे देश से उन्होंने वक्त के साथ मिल जाते हैं। अगली गेंद
आइए नेक्स्ट इनिंग की शुरुआत करें सलामी बल्लेबाज के लिए और ग्राउंड नंबर 277 से अपने ओवर वहां पर चलता हुआ दोबारा आगे पर खेला कहा और जो किया गया रन आउट करता है और मिस किया गया रन की गलत है जहां पर एक विकेट था वहां पर दो रन गलत है वो तो वहां पर कीपर ने जो प्रिंट कर दिया और रन को यहां पर चला लिया शानदार चरण में यहां पर दो बल्लेबाजों का बेटा हुआ और रन यहां पर पूरा होता हुआ अच्छी बल्लेबाजी आज के दिन पर देखने मिल रही है भैया फिनिक्स आज जिस पर से खेला जा रहा है इसी के साथ शायद ग्राउंड नंबर दो पर भी इनिंग समाप्त हुई है और रन संख्या 40 जीतने के लिए एक तरफ मुकाबले हम देख रहे हैं स्कोर करने के लिए Now watch it live, straight out of the ground. Now professionally stream sports events live with features like slow motion replays, scorecards, highlights, and a lot more. You play the game, we capture the frame.
सालों से कार्यरत है और देखा जाए तो 1997 में इसकी स्थापना हुई द एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट। वागिल करोगे आउट, बहुत बढ़िया टैक्सी किया, शानदार टैक्स लिया गया और खिलाड़ी आउट होते हुए यहाँ पर राहुल जी यहाँ पर आउट होते हुए एक राउंड के बल्ले के ठीक ऊपर लगी और बढ़िया कैच लिया गया। यहाँ पर फिर फिट के ऑनर विनोद पाए मैदान से जाते हुए मुंबई में जो नाम हासिल किया विनोद भाई की टीम ने फिर फिट इंडिया, ये बड़े अभिमान के साथ हम कहते हैं कि जगह जगह इनके ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में बहुत बढ़िया काम करते हैं इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। इस वक्त गेंदबाजी के लिए रन सर क्या है स्कोर बोर्ड पर 12 रन तीन स्तर पर। मनीष भाई यहाँ पर बैठे हुए बहुत बढ़िया, यहाँ पर मनीष भाई ने गेंदबाजी की और एक अच्छा शॉट और कैच सही है गेंदबाज आते हुए चार रनों के लिए, शायद अंपायर का इशारा क्या है देखेंगे और अब 6 रनों के लिए 18 रन यहां पर हासिल हो चुके हैं टीम के। बहुत लंबा स्कोर है इन 10 ओवर में 125, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है और हो सकता है इम्पॉसिबल क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता है। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हमें याद आता है 336 रन जिस प्रकार से 436 जिस प्रकार से पूरे किए गए साउथ अफ्रीका ने वो कुछ यहाँ पर होना चाहिए 125 रन चाहिए और जो जोड़ी है और जो टारगेट एक क्वेश्चन होकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ताकि मैच उनके हाथों में आ सके। इस बार गेंद को खेला बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर गेंद को फील्ड किया बहुत बढ़िया बड़े फील्डिंग शरीर द्वारा और इसी के साथ ही यहाँ पर आने नए खिलाड़ी को लेकर यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर बहुत तेज है और नए खिलाड़ी यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए जाते हुए अरविंद और विरोध अब मैदान के अंदर है और खिलाड़ी के बाहर जाते हुए जो बाकी पूर्ण खिलाड़ी आउट और एकदम और एक कैच लिया गया शानदार कैच ग्राउंड नंबर 2 पर भी दिखाई दिया जा रहा है और विकेट के यहाँ पर गिरते हुए नए बल्लेबाजी की स्ट्राइक पर बल्लेबाज अब देख रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, वाह क्या बात है, लाजवाब फील्डर, शानदार गेंद थी, इधर गेंद आती हुई इधर इसको कहते हैं और बढ़िया गेंद उधर रखी थी बल्लेबाज समझ नहीं पाए बल्लेबाजी करते समय अरविंद इस वक्त आया बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी और इसी के साथ एक गेंद का खेल शेष है, ओवर चलता हुआ मैंने गेंद को नजर आता हुआ और अब स्कोर टारगेट और औसत यहां पर बढ़ता हुआ क्योंकि ओवर अब 15-18 से भी अधिक औसत नजर आता हुआ बार कीपर से लगी हुई और गेंद को फील्ड किया और इसी के साथ थ्रो होता हुआ और गेंद का खेल से हम देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ये मुकाबले और बहुत बढ़िया क्रिकेट का आयोजन आज नजर आता हुआ विवादित किया बहुत बढ़िया गेंदबाजी ओवर समाप्त हुए इस वक्त
फोर का हेल्प करते हैं। तीन ओवर के बाद 19 रन, चार विकेटों के पतन के बाद वेलकम वेलकम और वेलकम सभी का हार्दिक स्वागत है वाइसरॉय प्रॉपर्टीज के ओर से और श्री जी शरद के ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इंडिया प्रीमियर लीग द एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट 2022 आप चैंपियन ट्रॉफी खेल रहे हो और ट्रॉफी के लिए सभी टीमें एम स्पेस सोहम स्पेस रियल उसके बाद गोवानी उसके बाद हेरिटन वापस और सुनाना सन साइलर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया टीम यहाँ पर लगाती हुई खेला और मुकाबले और बड़ा खुला यहाँ पर मैच चलता हुआ इंदौर के लिए ऊपर है खिलाड़ी गेंद के नीचे वन बॉल के चार ओवर के लिए चार रन कौशिक को बल्लेबाजी के लिए जाएंगे हम लोग अपने पता देख रहे हैं और सर हमारे बीच बातचीत करेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। विजय जी आप इस समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत बढ़िया काम आपका हमारे इस रियल एस्टेट एजेंट के माध्यम से हो रहा है। वेलकम सर आपका हार्दिक स्वागत है। अरे कुछ बातें हम आपसे करने जा रहे हैं यहाँ पर वेलकम सर और विजय मुखर्जी हमारे बीच हमारे लिए बॉक्सर विजय मुखी जी यहाँ पर है और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मुझे सर क्या कहेंगे क्या सोच है और आगे क्या करने वाले आप लोगों के कितने इवेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं इससे हम बातचीत करने जा रहे हैं और रूबरू होने जा रहे हैं सर एकदम इंडिया के प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं दोनों से का आनंद मिल रहा है अभी है रवि का ऐसा सीन हो रहा है कि टीम करके सर 1997 में आपकी संस्था की शुरुआत हुई और लगभग 6 सालों का ये पर्व आपका चल रहा है ये छठा वर्ष आप लोग इस टूर्नामेंट को आयोजन कर रहे हो कैसा रहा ये 6 साल और कोरोना काल में क्या कहना है आपका जो दो वर्ष जो गए उसके बाद जो मैच स्टार्ट हुए आपके ये हमारा छठा इवेंट है इसको इंडिया प्रीमियर लीग से कहा जाता है पर जो ये क्रिकेट की जो मैचेस हैं ये तो 2000 से स्टार्ट हुई है तब हम नेबरिंग एसोसिएशन से क्रिकेट मैचेस खेलते थे तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये 22 साल हो गए कि हम लोग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और इसमें सब एज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और फुल्ली अपना कमिटमेंट देके एंजॉय करते हैं इस गेम को। थैंक यू सर 22 साल से आप लोग इस टूर्नामेंट का आयोजन तो ये संस्था का निर्माण कैसे हुआ जब आप लोगों ने
छोटी संस्था बोले बड़े में आप आए थे, कहते ना कि कुएं का प्रवाह नदी से, नदी का प्रवाह समुद्र से जाकर मिलता है, और आज आप समुद्र के और छलांग लगा चुके हैं। 1997 में कुछ हमारे 35 मेंबर मिलके इस एसोसिएशन एक पिकनिक के दौरान उसका निर्माण हुआ था, और उसके बाद में जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वजू भाई, उसके बाद लेट श्री काडिया साहब पेंटिंग करते हुए विनोद ठक्कर जी, उसके बाद में दीपेश बोरा जी, कल्पेश शाह जी, दीपक शर्मा जी, जयेश व्यास जी, जयसिंह कपाड़िया जी, रामप्रसाद पाली जी, और अभी इमीडिएट पास प्रेसिडेंट तुलसीदास सावंत जी, इन्होंने सबने मिलकर इतनी मेहनत की हुई है इसको निर्माण करने के लिए कि आप देख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ इस मंदिर पर पहुँचे हैं। और उतना ही मैं एक एक एरिया के मेंबर को दूंगा जिन्होंने हमारे पे इतना प्यार और विश्वास रखा है ताकि ये संस्था और से और मजबूत बनती है। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस भ्रमण को लेकर, खासतौर पर आपके जितने भी साथीगण हैं जिन्होंने एक सोच की हकीकत से लेकर आज लगभग 500 से भी अधिक आपके मेंबर से यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और उनका एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक अच्छे वैज्ञानिक तौर पर हम देख रहे हैं सभी के जो कॉस्ट्यूम है, जो कैप्स है, बहुत बढ़िया आयोजन नजर आता है। और दिन जितने भी मैचेस आपके टूर्नामेंट होते हैं, पुरुषों जिमखाना के बाद आज हम ठाकुर में यहाँ पर टूर्नामेंट कर रहे हैं, बड़े तौर पर होने जा रहा है, और शानदार आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही इस प्रकार आप जो काम करते हैं या वो उम्मीद करते हैं, और जो आपकी कंपनी है ये एसोसिएशन एरिया ग्रुप रियल एस्टेट एजेंट जो की है, इनके सभी जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास कर जिन्होंने हमें टूर्नामेंट के लिए सहयोग किया, हमारे जो लाभार्थी है खास कर वाइस रॉय प्रॉपर्टीज और श्री जी शरण, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए सहयोग किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, और यही हमें सपोर्ट कीजिए, और भी कई अन्य हमारे सहयोगी जो आधार सब है हमारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैच की ओर चलते हैं, वहाँ पर यहाँ पर रनसंख्या क्या बढ़ोतरी लेता हुआ इनको फील्ड किया प्रमोद आया है बल्लेबाजी के लिए, एक तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए प्रमोद, सर हमारे स्टिक का कमेंट्री बॉक्स में इस बार गेंद को खेला, गेंद को निश्चित नजर पर फील्ड करते हुए बढ़िया फील्डिंग, वहां पर एक रन बहुत बड़ा लक्ष्य है 125 रनों का, और ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, क्रिकेट महज खेल है, खेलना बहुत जरूरी है, और कोई भी जीते कोई भी हारे, जीत तो आज रियल स्टेट एजेंट की होने वाली है, आप लोगों की जो एसोसिएशन की जो टीम है इनकी आज जीत है, क्योंकि ये टूर्नामेंट आप लोगों के लिए गेट टुगेदर होता है, दूसरे से वार्तालाप होता है, क्योंकि हम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन हम एरिया में जो काम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं आप लोगों को जुड़ कर जो निर्णय आप लेते हैं उस निर्णयों के साथ आप लोग आगे बढ़ते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर आप लोगों ने हमें यहाँ पर आज इस समारोह के लिए बुलाया गया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धनंजय कुलकर्णी और राजेश कुले की ओर से आपका धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम यहाँ पर जो कैमरा मैन है, स्कूलर है, अंपायर है, सभी लोगों के ओर से आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने हमें मौका दिया, आज क्रिकेट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, और अब अगली गेंद को लेकर क्योंकि 10 ओवर में एक सर्वाधिक रनों का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, और 10 ओवर खेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 10 ओवर देखा जाए तो 50 ओवर से भी अधिक हो जाता है, लेकिन बहुत क्रिकेट जिनकी मशक्कत करनी पड़ती है उससे भी ज्यादा मशक्कत आपको 40 मिनट बॉल में करनी पड़ रही है,
यहाँ पर फूड आ चुका है, लगातार वेटर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर स्कोर यहाँ पर हो चुका है 6/40, 6 ओवर के बाद 40 रन, आने वाले 4 ओवर अब यहाँ पर शेष है। शानदार आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है सभी खिलाड़ियों का। बल्लेबाज अभी गेंदबाजी करते हुए इस बार अंदर की गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी घूम कर और सुरक्षित ढंग के साथ दो खेला अपना गेंद पीछे के तौर पर बल्लेबाज आउट होता हुआ अपने बल्लेबाजी के लिए जाते हुए अंकित ठक्कर। ये अंकित अब मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए और क्या अंकित अपने टीम को जीत जीत दिला पाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। अभी भी मैंने कहा क्रिकेट मैच एक खेल है, खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी जीते कोई भी आ रही तो आज क्रिकेट और रियल स्टेट एडेट की होने वाली है क्योंकि ये टूर्नामेंट आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। सभी लोग 37 से लेकर आज 550 तक मेंबर्स बने हैं ऑल ओवर मुंबई में और मैं चाहता हूँ कि ये ऑल ओवर महाराष्ट्र पहुंचे, ऑल ओवर इंडिया पहुंचे, आपके मेंबर एसोसिएशन के और बढ़ते रहे और गली ग्रामीण तक जाए और उनको सुविधा मिले ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। शानदार प्रतिवर्ष ये टूर्नामेंट का आयोजन और यूं ही आगे बढ़ता है। बढ़िया फील्डिंग, एक हाथों से एक फील्ड का राउंड नंबर 2 पर चित्रक्षक सभी बचे हुए खिलाड़ी है वहां पर 7 हो चुके हैं, 6 ओवर आने बाकी है और अब अगर ओवरस्टेप रहेगा तो ही दो रहेगा से। बात भी तो गिरा लगा गेंद है, शालीन वहां पर है गेंद को फील्ड किया। बहुत लंबा लक्ष्य है यहाँ पर और किसी को भी अगर टू व्हीलर बाइक की चाबी अगर मिल जाए तो प्लीज आप लोग संपर्क कीजिए कमेंट बॉक्स टाइप से। खिलाड़ी है वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए अच्छा चित्रक्षण वहां पर और टू का हुआ और समाप्त 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अब 8वां ओवर आना शेष है। एक तरफ वरवीर से सचिन भाई उनका हाथ दिखा दी कवर होगा। आइए सभी लोग यहाँ पर है हमारे रियल स्टेट एजेंट ठाकुर विलेज के टीम माने जाते हैं, सचिन भाई वेलकम।
और ये फॉरवर्ड बूटा जी हमारे बीच से दूसरा बल्ला भावी भाई विजय भाई भावी भाई और जय भाई सभी और हमारे और असिस्टेंट के सभी प्रैक्टिस यहाँ पर है सभी लोगों का पहले से धन्यवाद और शानदार शॉट यहाँ पर खेला गया पर मैक्सिमम शॉट यहाँ पर नजर आता हुआ वन को स्टिक को फील्ड किया थ्रो होता हुआ इसके बीच रन को भी पूरा किया बहुत बढ़िया रविंद्र जी को विकेट यहाँ पर नजर आई रन को पूरा करते हुए तो फर्स्ट इमेजिंग प्लेट ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई है बैट बॉलर बैट बैट्समैन फर्स्ट ऑफ रन हाफ सेंचुरी फर्स्ट सिक्सर्स प्लेयर सभी ट्रॉफी यहाँ पर है और शानदार ट्रॉफी यहाँ पर है विनर्स और रनर अप सीरीज सभी यह ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई है और जो मोमेंटो तो है यहाँ पर ये जाएंगे क्योंकि हमारे जो सहयोगी है उनको मोमेंटो भी प्रदान किया जाएगा टूर्नामेंट के माध्यम से यादगार है जब हमारे शोरूम में घर में जाते हैं तो सूटकेस में रखते जैसे मोमेंटो है यादगार रहते जो पल होते हैं कुछ ताकि हमको 10-20 साल के बाद भी हमें याद आते हैं जब उस टूर्नामेंट में गए तो हमें यहाँ पर सम्मानित किया गया था ऐसे ट्रॉफीज यहाँ पर रखी गई है जिनको फील्ड किया गया इसी के साथ विकेट ये सबसे सीनियर लाजवाब और डैशिंग प्लेयर मनीष भाई मैदान के अंदर जाते हुए काबिले तारीफ मैं खुद मनीष भाई को लगभग 10 साल से जानता हूँ क्रिकेट के माध्यम से मैं कंटिन्यूस इस टूर्नामेंट को बोलते आ रहा हूँ और इस टूर्नामेंट का एक पार्ट हूँ और मनीष भाई से मुलाकात होती हुई यहाँ पर मैदान के अंदर मनीष जी मैदान के जाते हुए अभी यहाँ पर आउट हुए और मनीष बल्लेबाजी के लिए इस बार किला बिल्कुल एक सीजन पर खिलाड़ी है वहां पर इन दोनों के लिए गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज है सामने की ओर हरीश युवा गेंदबाज हरीश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए अंदर की गेंद थी और गेंद सीधे कीपर के पास बार मनुष्य के पहले से खाता खुलता हुआ इन दोनों के लिए और एक रन करते हुए मीटर में रन मनुष्य ने पूरे किए हैं बार जिसको खिला बहुत बढ़िया लेकिन कैच हो सकता है और ये कैच लिया गया और ये आशीष शानदार कैच और ये कौशिक बल्लेबाजी करने जाएंगे मैदान में और
कविश भाई स्ट्राइक पर है, कविश भाई अगर एक रन पूरा करते हैं तो उनके 1000 रन पूरे होते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। लगभग 10 सालों में 1000 रन पूरे किए गए। कविश भाई स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर कौशिक बल्लेबाजी के लिए। इस बार ये छेल लगाकर ओहो 999 रन पर आउट होते हुए मनीष भाई, नो प्रॉब्लम। एक तरफ सलगा भारी नजर आता होगा टीम एक्सप्रेस का और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। रन संख्या 62 और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। बॉल में अब जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। बहुत ही कांटे की टक्कर बीच मैदान पर सूरत सनराइजर्स। ये अगर यहां पर बहुत ही कुछ चंद गेंदों में अगर इस मैच को जीतेंगे तो निश्चित तौर पर मौका मिलेगा। और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अभी एग्जैक्टली पता चलेगा हमें कि और 2 या 3 गेंदों में अगर इस टारगेट को एक अलग अंदाज से लेकर जाएंगे तो यह मैच बहुत ही कांटे की टक्कर बनेगी। रन संख्या 66। दो रन, थोड़ा पीछे हो जाइए सब। खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव देख रहे हम। आखिरी कुछ 4 गेंदे बाकी अभी भी सोर की, एक अलग अंदाज से मिलन को गेंदबाजी करनी होगी। फिर एक बार अच्छी गेंद और गेंद, इसके बाद और 3 गेंदे जब देखा जाए 7वें ओवर में या 8वें ओवर में। लेकिन जिस तरह का इक्वेशन है यहाँ पर जीतने की बहुत ही जरूरत, लेकिन जो जल्दी अगर मार्जिन से जीते तो निश्चित तौर पर एक मौका था। मिलन गेंदबाजी के लिए तैयार। एपीएल छठा साल, 22 साल, गेंदबाजी के लिए मिलन स्ट्राइक पर।
कोशिश की अगली गेंद, फिर एक बार जगह बनाई, मौका और गोद में कैच, एक आसान मौका गोदी में वहां पर दे बैठे। और अब ये मैच जिस अंदाज से चल रहा था, फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट। और सर्वेश राजकौर, राजू अच्छिया, त्रिपुरिया अजित बताकिया, केवल पारे तुलसीदास सावर, जय व्यास, क्योंकि कम्युनिटी मेंबर से सभी का बहुत धन्यवाद शानदार आयोजन। और खास कर जो हमारे एक्स पास जो कि ट्रांसमिनेट और जिन्होंने हमें हमारे एडवाइजर है, खासकर विजू भाई मकवाना, विनोद ठक्कर, दीपक शर्मा, दीपेश कोरा, जयसिंह कापड़िया, कल्पेश शाह और राम प्रसाद पाही। और खास करके स्पॉट हेड जो हम लोग कहते हैं अजित कटानिया, जो कि हमारे खास स्पोर्ट्स के हेड है और बहुत बढ़िया काम उनका रहा है, तो दोनों जिन्होंने ऑर्गेनाइज की गई है। और डिसिप्लिन देखिए क्या बढ़िया स्पष्ट रूप से नजर आता हुआ, शानदार डिसिप्लिन के साथ टीम आगे बढ़ गई। आइए नेक्स्ट मैच की शुरुआत करेंगे, आपके बीच नेक्स्ट मैच को पूरा आपको लेकर लेकर आएंगे यहाँ पर साथी कमेंटेटर राघव। धन्यवाद धनंजय जी, सभी हमारी टीम की ओर से आप दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कैमरामैन लाइव जो डिजिटल मॉनिटर स्कोरर पर जो हमारे स्कोरर है, ऐप के माध्यम से जो दिव्यांश और अन्य जो हमारे यहाँ स्कोरर, उनका भी हार्दिक आभार धन्यवाद। जो सभी कैमरामैन और पूरी तरह से ये टीम के माध्यम से जो ऑफिशियल्स, इनका योगदान। और APL का छठा संस्करण बेमिसाल हम देख रहे हैं, जिस आधार पर ये मुकाबला चल रहा है कि कौन जीतेगा इस मुकाबले को और इक्वेशन अब क्या बनेगा, अगर ये टीम सूरत सनराइजर्स अगर जैसे एक चल रहा था कि 6.3 या 7 ओवर में अगर इस मैच को जीतते हैं तो निश्चित तौर पर नेट रन रेट की जब बात आएगी, दो मैच एक एक मैच अगर जीतते हैं तो कौन सी टीम कौन से पायदान पर रहेगी, अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस मैच के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली विच टीम विल बी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल विद सूरत सनराइजर्स और जो टीम गुवाहाटी वाइल्ड्स। अशोक गुप्ता स्ट्राइक पर, 9 स्ट्राइक पर राजा, गेंदबाजी के लिए तैयार बॉलर शालीन, थोड़ा साइड हो जाएगा सब। अनिल दरबार, अनिल जी थोड़ा साइड हो जाए, चंद्रकांत जी, चंदू जी, प्रमोद थोड़ा साइड हो जाइए। पहली गेंद डॉट, फिर एक बार अशोक के लिए अगली गेंद, इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश थी और इस गेंद को खेला लेकिन 2 रन के लिए निकल पड़े, 2 रन के 7 रन संख्या स्कोर। बहुत ही थके लग रहे हैं अशोक गुप्ता, लेकिन इस मैच को जीतने के लिए अपने पूरी तरह से आन बान शान सब निर्भर है अशोक गुप्ता पर। गेंदबाजी के लिए शालीन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद और फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद से मार के बाहर, 4 रन मिलेंगे, 4 तो बेड़ा होगा पार, सही समय पर, मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड, इट इज रियली रिक्वायर्ड टू प्ले सच अ स्ट्रोक एंड द बैट्समैन अशोक गुप्ता जस्ट प्लेइंग टुवर्ड द कवर रीजन फॉर 4 रन। अभी भी इस ओवर की गेंदें बाकी है, देखेंगे
सब पता चलेगा, लेकिन ना जिस तरह से मैच चल रहा है। जीतने के लिए चार रनों की दरकार होती, कांटे की टक्कर बीच मैदान पर, अशोक और राजा दोनों थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस अपना बरकरार जारी है। सूरत सनराइजर्स जय जी थोड़ा साइड हो जाए, जय जी थोड़ा पारिक जी थोड़ा सा केबी अगली गेंद, अच्छी गेंद डॉट, मैच को जीतने के लिए चार रन की जरूरत है। देखेंगे क्वालिफाई करने के लिए किस तरह से यहां पर इस गेंद को खेलेंगे। अच्छी फील्डिंग, एक रन तो लिया है, रन आउट का मौका, लेकिन स्ट्राइक अपने पास लेने जरूरी थी, विकेट का यहां पर महत्व था, लेकिन जिस तरह से अब तीन रन की जरूरत, देखेंगे इस बॉल पर अगर मैच को समाप्त करते तो मौका बनने वाला है, लेकिन जब तक ये एक स्ट्रोक खेला है, एक रन तो पूरा किया और दूसरे रन के लिए जाएंगे मौके की तलाश, दो रन पूरे, अब एक रन जीतने के लिए अभी भी आवश्यक है। और जिस तरह का ये अब सबकी तरफ दिल की धड़कन है तेज, कौन सी टीम आएगी तो कौन सी टीम बाहर जाएगी, विल दे क्वालिफाई और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट, देयर आर मेनी क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ एवरी प्लेयर्स the playing here. अब नेट रनरेट पता चलेगा जब इस ओवर के बाद, क्योंकि पहले जीतना आवश्यक था, लेकिन जल्दी अगर जीतते हैं तो ही मौका है, और जिस तरह से इन्होंने ये जीत दर्ज की है इस आधार पर मौका निश्चित तौर पर मिलेगा। गेंदबाजी के लिए तैयार, फिर एक बार अगली गेंद, इक्वल है, लेकिन एक रन के लिए यहां पर ये संघर्ष जारी है, लेकिन अभी भी दिल की धड़कनें तेज है। इस मैच के बाद पता चलेगा जीतने के बाद कि विल दे क्वालिफाई और नॉट, इज इट क्वालिफाई, दोनों टीमें तैयार रहेगी एक तरफ। ओ ये भी विकेट और गॉन, ये विकेट कितना निर्णायक बनेगा ये भी देखने वाली बात होगी। एक रन जल्दी निकालना था, लेकिन दो गेंदे डॉट की, उसमें भी विकेट गवाया, तो जब इस तरह का होता है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ होता है, विकेट कितने जाते हैं, कितने बॉल में कितने रन किए, आपने जब चेस किया तब कितने गेंदों में किए, क्योंकि आखिरी ओवर में स्पेस टीम को हराया था जो बल्लेबाजी की थी गोवा रॉयल्स टीम ने, और एक जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए, अच्छी पारी को अंजाम दिया अशोक गुप्ता, ऐश नए बल्लेबाज की ओर पारे केपी, एक बेहतरीन पारी जो शुरुआत आगाज किया था उस तरह से अशोक गुप्ता के लिए ऐश, व्हाट इनिंग, ब्यूटीफुल इनिंग, एक रन लेके आया था।
वो खिलाओ खिलाड़ी उस गेंद के नीचे और ये अच्छा रन आया और मैच को जीत लिया है। अब पता चलेगा, अब दिल की धड़कनें तेज होगी कि 7 ओवर में जीतना था, 6.5, 7 या 8, बहुत कुछ अब पता चलेगा। दोनों टीमें अगर देखा जाए तो एक टीम थी जिन्होंने हराया स्पेस ने हराया फिर सूरत सनराइजर्स को, और सूरत सनराइजर्स ने फिर हराया जो पहली टीम गोवा निवाइल्स। तो इस टीम में बहुत कुछ, कौन सी दो टीमें रहेगी।